पौड़ी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल बलूनी ने मंगलवार को विधानसभा बार कार्यकर्ताओं और लोगों से जनसंपर्क शुरू कर दिया। इस दौरान जगह जगह पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अनिल बलूनी ने गुमखाल इलाके में जनसंपर्क किया तो उसके बाद वो लैंसडाउन पहुंचे। अनिल बलूनी ने कहा कि वो सांसद बनने के बाद वो लैंसडाउन से कैंट के नियमों में कुछ छूट देनी चाहिए, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही लैंसडाउन को विकास के शीर्ष तक पहुंचाएंगे। पहले आप सिद्धवली गए, उसके बाद लैंसडाउन में गए, तो लैंसडाउन में जैसे मैंने सुना आपने कहा कई वादे करें कि कैंट को आप मुक्त कर देंगे, क्या कुछ रहेगा वहाँ? देखिए, लोकतंत्र में जब भी कोई प्रत्याशी कोई भी पार्टी जनता के पास जाती है तो अपना एजेंडा बताती है। हम लोग हर जगह जाके बता रहे हैं, जैसे हमने कोटद्वार में कहा कि कर्णवाश्रम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाएंगे, उसी प्रकार से हमने लैंसडाउन में कहा। मैं पहले भी प्रयास करता रहा हूँ कि लैंसडाउन में जो कैंटोनमेंट का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए नियमों को। लैंसडाउन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे पौड़ी गढ़वाल की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है, यहाँ से पलायन को रोकने के लिए लैंसडाउन का उपयोग किया जा सकता है। आप किस तरीके से भ्रमण कार्यक्रम रहने वाला है, पूरा संसदीय क्षेत्र है आपका? देखिए, बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ इलाका है। हम लोग कोशिश करेंगे हर व्यक्ति को फिर भी टच करने की, हम कोशिश करेंगे प्रत्येक व्यक्ति तक जाने की, हर क्षेत्र तक जाने की, जितना संभव हो सकेगा करेंगे। लेकिन ये बात मैं आज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गढ़वाल के विकास के लिए अब कोई प्रयास नहीं छोड़ा जाएगा, और आप देखिएगा आने वाले समय में पूरे देश के अंदर गढ़वाल लोकसभा की चर्चा जरूर होगी। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे अनिल बलूनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जो उलझुल बातें कर रहा है उसका जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते, वो काम कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बातें कर रहे हैं और वो जन जन तक पहुंचेंगे और अपनी विकास की योजनाएं जनता तक पहुंचाएंगे। अनुपम भारद्वाज, News18, लैंसडाउन। कोटद्वार में अनिल बलूनी सिद्धबली मंदिर पहुंचे, जहां अनिल बलूनी ने सिद्धबली की पूजा अर्चना की। इस दौरान अनिल बलूनी ने देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बलूनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और बीजेपी बंपर वोटों से लोकसभा चुनाव जीतेगी।